सतनाम वाहेगुरु। गुरु अंगद देव जी तो पहला वो इलाका जिथे गोइंदवाल नगर है बिल्कुल बंजर सी। उस जमीन का मालक गोइंदा खत्री सी। उसने अपने बुजुर्गों की याद में उस जमीन ते एक पिंड वसाउण की कई बारी कोशिश की। उसके शरीकां ने उसनू उस जगह पर एक घर तक ना बना दिता। जदों गोइंदा घर दियां कंधां उसारदा तां उह कुछ बदमाशां नू नाल लिया के रात नू उस दियां कंधां ढा जांदे ते सब कुछ उजाड़ जांदे। उसके शरीकां ने पिंड विच मशहूर किया होया सी कि रात नू भूत आके गोइंदे दियां दीवारां ढा जांदे हन। गोइंदे ने तंग आके गुरु जी पास आके बेनती की, गुरु जी मैं अपनी जमीन विच पिंड वसाउण की बड़ी कोशिश कर चुका हाँ पर मेरे शरीक मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं होन दिंदे, आप कृपा करके मेरी मदद करो। गुरु जी ने गोइंदे की बेनती प्रवान करके श्री अमरदास जी को बुला के जाने लिए पूछा। श्री अमरदास जी उस वेले 73 साल के बुजुर्ग सन। श्री अमरदास जी गुरु का हुक्म मन के गोइंदे नाल चल पाए। गुरु अंगद देव जी के दे हुक्म नाल नवा नगर वसाया जान लग पाया। सिख संगतां सेवा की भावना नाल पिंड की उसारी विच हिस्सा पाउण लगियां। जिवें जिवें श्री अमरदास जी गोइंदे नूं कहिंदे गए उस तरह ही वह मजदूरां ते कारीगरां पासों पिंड की उसारी करवाउंदा गया। सिख संगत नूं पिंड की उसारी करदिआं देख के गोइंदे दे शरीकां दी हिम्मत ना पई कि वह पहलां वांगू पिंड की उसारी विच कोई विघन पाउण, सगों उन्होंने आके पिंड की उसारी विच सिखां दी मदद करनी शुरू कर दित्ती। बड़ी शानदार धर्मशाला ते मकान बनाए जाण पिछों श्री अमरदास जी खडूर गुरु साहिब नूं दसण लई गए। गुरु जी ने नवें नगर का नाम गोइंदे की मंशा अनुसार गोइंदवाल रखिया। श्री अमरदास जी नूं गुरु जी ने कहा कि वह अपना सारा परिवार बासरके तो गोइंदवाल लै आउण ते गोइंदवाल विखे सिक्खी का प्रचार करन। अगे चल के गुरु अंगद देव जी ने श्री अमरदास जी नूं योग जाण के गुरगद्दी की जिम्मेदारी सौंपी। इस साखी विच असीं समझिया कि किवें जदों गोइंदे का कम सिरे नहीं सी चढ़िया तां लोकां ने भूतां दा भरम पाउण की कोशिश की, पर गोइंदे ने वहमां भरमां विच पैण दी थां गुरु दा लड़ फड़िया। अज साडे घर भी जदों कोई छोटा मोटा विघन पै जांदा है तां लोक भूत प्रेत धागे तवीतां जां कुंडलियां दे चक्कर विच पै जांदे हन। इह सारे वहम भरम साडी आत्मिक अवस्था नूं नीवा करदे हन ते परमात्मा तो दूर, जदके सानूं शब्द दा आसरा लैके हमेशा चढ़दी कला विच रहना चाहीदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।